फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू व्लॉग्स। दोस्तों, अभी मैं हूँ ये बिजावर के आसपास। जटाशंकर का आपने ब्लॉग देख लिया होगा, और जटाशंकर के रास्ते में ही एक जगह और पड़ती है दोस्तों, जिसे बोलते हैं भीमकुंड। और ये जो भीमकुंड का रास्ता यहाँ से है दोस्तों, देख सकते हैं वहाँ पे कुंड है, बहुत यूनिक कुंड है। उस कुंड की खासियत यह है दोस्तों, एक जो है पानी भरा हुआ है, बिल्कुल ब्लू कलर का पानी है, नीला पानी है, और उस पर साइंटिस्ट आज तक उसकी गहराई का पता नहीं कर पाए। तो अभी हम जा रहे हैं भीमकुंड, और उसकी स्टोरी मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो कुंड कैसे क्या बना है। तो इस तरह का गांव का माहौल देखिए दोस्तों, ये है पूरी लोकेशन। कितना प्यारा माहौल है, मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता हूँ, बस ये समझ लो कि बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ से जाने का मन भी नहीं हो रहा। देखिए कितना प्यारा माहौल है, वाह, इसे बोलते नेचर। तो यहाँ से थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, लोगों से पूछा है, लोग बोल रहे हैं जा सकती है गाड़ी, रोटी थोड़ी बन सकती है। तो मैं आ चुका हूँ भीमकुंड की लोकेशन पर, और देखिए गाड़ियाँ यहीं पर लग जाती हैं इस तरह से। और ये रहा भीमकुंड, चल के देखते हैं, यहाँ पर काम चल रहा है कुछ, और बिल्कुल जंगल के बीचों बीच है ये जगह भी। देखिए वहाँ पे ऊपर जो है मंदिर है, तो हम लोग ऊपर तो नहीं जाने वाले, कुंड को ही देखेंगे जस्ट। हमारे साथ है अभी इस्कान और शुभम भाभी जी हैं, श्रेष्ठ है, सुबह भाभी, तो सभी लोग जा रहे हैं। राग नहीं कहाँ इसका बाय करो। कुछ इस तरह का रास्ता है दोस्तों, एक मंदिर है, और यहाँ से जाना पड़ेगा। मंदिर का स्थान है, और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, और ये रहा यहाँ पे भीमकुंड। यहाँ से जाना रहता है, यहाँ से हम जाएंगे अभी। तो दोस्तों मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ नीचे, और बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ रहती हैं हर जगह पर, तो यहाँ पर अपन देखते हैं क्या है। तो सीढ़ियाँ रहती हैं, यहाँ से अपन आ सकते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ से एंट्री है कुछ इस तरह की। दोस्तों देख सकते हैं, ये मैं घुस रहा हूँ इसके अंदर, देखिए दोस्तों ये अलग ही दुनिया है पहाड़ के अंदर। ये रहा दोस्तों भीमकुंड, यहाँ पे मंदिर है, कपड़ा के लिए भी है। ये रहा खुला हुआ स्थान, इसमें पूरा नीला पानी दोस्तों, नहा रहे लोग। हम लोग क्या नहा चुके हैं, तो फिर से तो नहीं नहाएंगे, लेकिन देखिए कितना नीला पानी है। हाँ होता है ना, पहाड़ के जस्ट अंदर बना हुआ है ये कुंड। और इसका क्या है, कहते हैं कि इसकी जो नीचे की जो सतह होती है वो आज तक किसी को पता नहीं है। इसमें जो एक्सपर्ट तैराक होते हैं वही जा सकते हैं, हर कोई नहीं तैर सकते इसमें। तो दोस्तों इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि जो जब वो भीम थे उनको पानी नहीं मिल रहा था, महाभारत की कहानी है, तो उन्होंने अपनी जो गदा थी उससे मारा था, तो धरती में इस तरह का कुंड बन गया था ऐसा कहते हैं। और कुंड की खासियत ये है, इसमें पानी कभी खत्म नहीं होता है, सर्दी में गर्म होता है और गर्मी में ठंडा पानी होता है। और यहाँ पे चमगादड़ दिख रही है, चमगादड़ उड़ती हुई दिख रही है आपको, तो पूरा एरिया उनका ही है। कुंड बहुत प्यारा है दोस्तों, ये पानी जितना नीला दिख रहा है ना वीडियो में, उससे ज़्यादा कई नीला, कई गुना नीला है। बहुत प्यारा पानी है, बहुत प्यारा। लेडीज़ को चेंज करने के लिए रूम्स हैं, शिव मंदिर है यहाँ पर। तो अभी रागनी देख रही हैं, रागनी कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा, कितना नीला पानी है कितना नीला पानी है इसमें, देखो वीडियो में ऐसे है ना?
शुभम भाई वीडियो बन रही है। ओ इसके जाना है पानी में जाना है। अरे भैया इसमें नहीं जा सकते, देख हर कोई नहीं सुनता इसमें। शुभम भाई इधर देखो, इसमें देखो वीडियो, देखो वीडियो में पानी दे, पानी दे कितना भाभी को बता दो भाभी है घूमने आए हैं। बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छी जगह है और लोग आपको अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपको देखिए इसके कुछ शॉर्ट्स में आपको बताऊंगा, ठीक है।